भूपेन यादव आपको जोड़ना चाह रहे थे। सतीश जी, मैं एक चीज कह रहा था, किसी एमएलए का, किसी विधायक का, किसी मंत्री का बेटा ये भर्तियां नहीं देता। थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवारी, एलडीसी, उनको दर्द का क्या पता होगा। एक विद्यार्थी 2 साल तक तैयारी करता है, लाइब्रेरी कोचिंग में जाता है, अपने आप को झोंक देता है और आसान शब्दों में सरकार कह दिया हमने पेपर रद्द कर दिया, अपराधी को पकड़ लिया। लेकिन ये नहीं पूछती जो प्राइवेट जॉब को छोड़कर वो सरकारी जॉब की तैयारी करता है कि हाँ मेरा परिवार मजबूत हो जाएगा, और अब वो क्या दोबारा उसकी सामान्य परिस्थिति हो पाएगी, वो दोबारा एग्जाम दे पाएगा। हालांकि राजस्थान में एक चीज सबसे अच्छी है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा भर्तियां राजस्थान में आ रही है, पूरे देश में। लेकिन यहाँ पेपर भी बहुत ज्यादा लीक हो रहे हैं। मैं तो हाथ जोड़ के तमाम नेताओं से अपील करना चाहूंगा, मैं युवाओं के बीच में जा रहा हूँ, 24 दिसंबर को पेपर लीक होने के बाद लगातार 10 रैलियां की, मैं युवाओं, हजारों लोग युवाओं में गया हूं, वो रो रहे हैं, उनके आंसू देखा, उनके माँ बाप रो रहे हैं, मैं देख रहा हूं उनका दर्द। यदि किसी एमएलए के चुनाव होते हैं, मंत्री के चुनाव होते हैं, वो जब वो शपथ लेने जाते हैं उनको कहते कि नहीं आपके वोट लीक हो गए थे इसलिए आपके चुनाव रद्द किए जाते, आधे लोग तो हार्ट अटैक से एमएलए मंत्री ये सांसद मर जाएंगे और वो एडमिट हो जाएंगे जब उनका भविष्य खराब होगा। उनको क्या पता युवाओं का भविष्य क्या होगा।